यह है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं नंबर वन स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के समरी हाई स्कूल प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव को विजय दिलाने की अपील की। इस मौके पर पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार में बतबे हर बार एनडीए गठबंधन में हम सब शामिल भेलिए, बिहार के विकास के लेल हम सब एनडीए गठबंधन में शामिल छे। और आज जे लोकसभा सब के चुनाव बिहार में संपन्न भेल, सब जगह के खबर है, आ के गठबंधन सर्वाधिक मत से विजयी भ रहा है हर जगह पर। झंझारपुर चुनाव है, मधुबनी के अहा के भूजल है, मधुबनी के हम संगठन प्रभारी छे और झंझारपुर के एक एक बूथ के रिपोर्ट जमा भले। और आज हमरा कहे में बड़ा प्रसन्नता हुई है जो झंझारपुर में हमर उम्मीदवार आज तक के रिकॉर्ड वोट से विजयी होता। उस समय हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और 1995 से आप लोगों के बीच में हूँ। हारे भी है तब भी, जीते भी है तब भी, हम आपके बीच में सेवा करते रहे हैं। बंधुओं, हम आपको विधायक रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके कृपा से, इनके सहयोग से जब हम विधायक थे तो केवटी विधानसभा में जितना विकास हुआ मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले कभी विकास हुआ होगा। बंधु, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से अरेसरवाड़ा का जो पुल है, इतना बड़ा पुल है, एक साल में ध्वस्त हो गया था। जो पुल की सरकार में जो बना था बगैर गाड़ी चले हुए, एक साल में ध्वस्त हो गया था, लेकिन वो बड़े पुल का माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से उस पुल का भी निर्माण मेरे ही विधायक काल में हुआ था। बंधु, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री ने कराया, 20,000 वैसे विद्यालयों में जहां भवन नहीं था उसका निर्माण कराया, लगभग 2,500 विद्यालय कक्ष भवनों का निर्माण कराया। और इस प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री को पता चला कि हमारा प्रदेश सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, तो उन्होंने कौशल विकास करके आने वाली नस्ल और हमारी आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है। गर्मी में और धूप को झेलते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं अपना कीमती वोट देकर 6 मई को जो चुनाव होगा उस दिन अपना एक एक वोट देकर आप हम लोगों के एनडीए के सुयोग्य प्रत्याशी भाई अशोक कुमार यादव जी को
विजयी बनाइएगा, यही हम सब लोग अपील करने के लिए आए हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज अपने इस देश के लिए, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और उनके नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का मान और शान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है। और जो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है, इसको लेकर पूरे देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। और देश के विकास के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, खास करके जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके कल्याण के लिए तो उन्होंने विशेष पहल की। अगर आप ये सोच लीजिए, गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जो चूल्हा जलाकर काम करना पड़ता है और उसमें धुआं झेलना पड़ता रहा है, और जब गैस के माध्यम से शहरों में जब चूल्हा जलने लगा तो गांव के अंदर भी महिलाओं के मन में ये बात आती थी। और केंद्र की सरकार ने बहुत ही उपयोगी योजना की शुरुआत करा दी और देश के गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस का की संपत्ता मिल जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और उसका लाभ करोड़ों परिवारों को मिला। और इसके चलते एक महिलाओं में खुशी का भाव। अब उसी तरह से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके इलाज के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम चालू की है एक साल से, और लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और पूरे देश के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। इससे गरीब लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। जो इलाज कराते हैं उसमें लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस योजना का की बहुत उपयोगिता है और आम लोगों को बहुत लाभ। और अभी हाल में जो उन्होंने किसानों के हित में काम किया, ये तो पहले से काम हो रहा केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन मैं एक योजना की चर्चा करना चाहता हूं जो योजना अभी लागू की गई है और जो किसान सम्मान निधि योजना है। आप देखिए क्या किसानों की सबसे बड़ी मदद क्या होती है। किसान खेती करते हैं तो उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, और अभी देखिए कई दल के लोग तो तरह तरह की बात कृषि के क्षेत्र में करते रहते हैं, ये सबकी आजादी है जो चाहे बोले, लेकिन अब कहा गया कि हम भाई किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अच्छी बात है, माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या देश के सारे किसान कर्ज लेते हैं? कुछ सीमित लोग ही कर्ज लेते हैं, और सीमित लोगों के हित में काम करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन मोदी जी ने जो सोचा है वो देश के सभी किसानों के लिए सोचा है, और जो खेती में खर्च करना पड़ता है तो इसके लिए सारे परिवार को, सारे कृषकों को 6,000 रुपए की सहायता देना, तो उससे अगर खेती में जो खर्च होता है ये घट जाएगा और लोगों की का मुनाफा बढ़ जाएगा, तो इससे बड़ी और कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। चुनावी सभा था, आए और चुनावी भाषण समाप्त होने के बाद शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए। सब चीज शांति व्यवस्था एकदम कायम रही, सभी यहाँ के जो श्रोतागण थे काफ़ी समझदार और सुसज्जित थे, सब पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, व्यवहारिक थे, सभी ने काफ़ी सहयोग किया है, यहाँ के ग्रामीणों ने भी काफ़ी सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। गुरुवार की सुबह 9 बजे दरभंगा राज मैदान में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी बाबूराम, जिलाधिकारी त्यागराजन खुद नजर रखे हुए हैं और 1000 से भी अधिक फोर्स सभा स्थल की निगरानी कर रहे हैं। वहीं नगर विधायक संजय श्रावगी एवं गठबंधन के कार्यकर्ता भी सभा के सफलता को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। We'll be right back.
आज यहाँ पर हम लोगों ने रिहर्सल की है और फोर्स की ब्रीफिंग की है, और हम लोग फिर शाम को ब्रीफिंग करेंगे दोबारा। इनको इनके ड्यूटी स्थल पर ले जाकर ड्यूटी समझाएंगे। तैयारियों का जायज़ा लिया गया है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैरिकेडिंग का कुछ काम बचा है, सीसीटीवी लगाया जा रहा है और सारी तैयारियां मुकम्मल है। ट्रैफिक प्लान, रूट लाइनिंग, हेलीपैड की सुरक्षा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कितने जवान लगाए गए हैं? ये जवान बहुत भारी संख्या में लगाए गए हैं, बहुत बल हमारे पास उपलब्ध है। एयरपोर्ट से लेकर रूट लाइनिंग, कार्यक्रम स्थल, सभी पार्किंग जगह जगह जो ड्रॉप गेट लगाए गए हैं, सभी जगह पे काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया गया है। सर, सुरक्षा दृष्टि से खोजी कुत्ता भी मंगा रहे हैं क्या? डॉग भी मंगा रहे हैं? एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। उन्होंने मैदान की जांच की भी है और वो कार्यक्रम शुरू होने तक कल तक बार बार ये जांच करते रहेंगे। सर, आपने अभी कहा शायद भाषण में कि पानी के बोतल पर भी शायद प्रतिबंध की आपने बात कही है, तो क्या पानी हम लोग टैंकर से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी की बोतल का इस्तेमाल कभी कभी फेंकने के लिए किया जा सकता है। तो क्या उस पर प्रतिबंध रहेगा पूर्ण? हाँ, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग कि पानी की बोतल आदमी बाहर अपना पानी पी ले और पानी पीने के बाद आ जाए, लेकिन एक बार ग्राउंड में आ गया तो फिर अगले 2-3 घंटे तक उनको या तो टैंकर से पानी, अगर ज़रूरत होगी टैंकर से पानी पिएंगे, या फिर वो 2-3 घंटे उसमें अपना उनको गुजारना होगा। सर, आम पब्लिक के लिए क्या रिस्ट्रिक्ट रहेगा? आम पब्लिक के लिए हम लोगों का मैसेज ये है कि हम पुलिस उनके लिए तत्पर है, हर जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ तत्पर है, किसी तरह की समस्या उनको होने नहीं दी जाएगी। 40 प्रवेश द्वार हम लोगों ने बनाए हैं आम पब्लिक के लिए और उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होगी। सिर्फ हमारे ऊपर विश्वास करें, कोई समस्या होने पर अपने निकट में जो भी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हैं उनको सूचना दें, तुरंत उनकी समस्या का समाधान किया जाए। महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था है? प्रत्येक गेट पे महिलाओं के लिए 2 DFMD अलग से लगाए गए हैं, जहाँ सिर्फ महिला पदाधिकारी और महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी, और उनकी तलाशी के लिए भी अलग से कपड़े का एक घेराबंदी करके रखा जाएगा। कुछ महिलाओं के लिए बैठने के लिए VIP की गैलरी में भी व्यवस्था की गई है, तो महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर, मीडिया के लिए क्या व्यवस्था की गई यहाँ से? मीडिया को VIP गेट के माध्यम से हम लोग एंट्री देंगे और उनको पास निर्गत किया जाएगा DPRO के माध्यम से, और यहाँ जो फर्स्ट सेक्टर है वहाँ मीडिया के लिए व्यवस्था हम लोगों ने सामने की तरफ की है। तैयारी का अब अंतिम चरण है, सारी व्यवस्था बढ़िया है, बस सब मिथिला के लोग हम लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उनका आगमन होगा, दरभंगा पर लैंड करेंगे और ऐतिहासिक राज मैदान से वो मिथिला के लोगों को संबोधित करेंगे, उसका इंतजार हो रहा है। ये ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को बहुत कुछ देकर आ रहे हैं, एयरपोर्ट देकर आ रहे हैं, एम्स की घोषणा हुई है, दरभंगा के रिंग रोड की हुई है, घर घर बिजली दी गई, घर घर शौचालय, घर घर आवास दिया गया, घर घर गैस कनेक्शन दिया गया, 5 लाख का प्रत्येक गरीब को इलाज की व्यवस्था की गई। तो जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मिथिला के लोगों को देने के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरा वर्ल्ड लीडर हुआ है, ऐसा इंडिया के प्रधानमंत्री को जो जिनको पूरे वर्ल्ड में मानता, वर्ल्ड के बड़े बड़े शासनाध्यक्ष उनके इंतजार में रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए देश के फिर से दोबारा होने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है। कल ऐतिहासिक राज मैदान में सभा होने वाली है, साथ में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, नित्यानंद राय जी और सभी प्रत्याशी जो गोपाल जी ठाकुर समेत सभी प्रत्याशी कल यहाँ रहने वाले। कितने लोगों की ऐतिहासिक जनसभा? 5-4 लाख लोग यहाँ रहेंगे और स्वतः आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, स्वस्फूर्त जो होता है वो आ रहा है। कितने बजे आने का समय है? सुबह 8:30 बजे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, 8:30 बजे आ जाइए, प्रधानमंत्री जी 9 बजे तक यहाँ से। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होगा, उसमें इंतजाम पॉलिटिकल पार्टी के स्तर से हो रही है, हम लोगों के स्तर से सुरक्षा का इंतज़ाम, बैरिकेडिंग का इंतज़ाम की सुपरविजन और बाकी जो सुरक्षा का इंतज़ाम और CCTV का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं, और कड़ी नज़र रखी जाएगी, और भीड़ नियंत्रण के लिए वॉलंटियर्स को भी हम लोग करने के लिए आयोजक को कहे हैं, और कई मजिस्ट्रेट और पुलिस का प्रतिनिधि की जाएगी सेक्टर में और बाहर भी, एंट्रेंस पे भी काफ़ी सख्त सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। गर्मी को मौसम को देखते हुए कुछ पानी के पानी के इंतजाम बिल्कुल हम लोग आयोजक को कहें, शौचालय को भी इंतजाम रहेगा आयोजक को।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई एवं जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन, लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया। स्वयं दस्ता के सहारे संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जनक सामान कैश ये सब का जो है सो चेकिंग हो रहा है। कहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, कितने गाड़ी का चेकिंग अभी तक किया है? हजारों गाड़ी का चेकिंग किए हैं। कहाँ पर कर रहे हैं चेकिंग? अभी तो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी थाना के सामने। पुलिस बल का अभाव है, पुलिस पदक के आज 24/4 को प्रधानमंत्री ने हमारी पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी में है, इसलिए थाना का भी आज कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में थोड़ा हैदराबाद में किए हैं, इसके बाद यही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर शंकर कुमार। सर किस तरह की चेकिंग की जा रही है, जैसे गाड़ी में? गाड़ी का डिक्की का चेकिंग करते हैं, बैग खुलवा के देखते हैं, मोटरसाइकिल का डिक्की देखते हैं। क्या नाम है आप? इंजीनियर शंकर कुमार। क्या आप? FST में हम लोग लगातार जो है सो अवैध सामान और 50,000 से ज़्यादा का रकम पर जो है सो चुनाव आयोग द्वारा जो पाबंदी लगाया हुआ है उसी का चेकिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का जो है सो अवैध सामान का। इनके द्वारा सूचना मिला आप लोगों को चेकिंग करने के लिए? चेकिंग के लिए DM साहब और SP साहब चुनाव आयोग का जो है सो आदेश। अभी कहाँ पर कर रहे हैं चेकिंग? विश्वविद्यालय थाना गेट पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार राय। कहाँ से आप हैं? हम दरभंगा में पोस्टेड हैं। क्या आप हैं? JEE हैं, SST फोर्स के जो है स्टेटिक मजिस्ट्रेट। दे रहा है।
लड़की लोग आपका सुन लीजिए, सब लोग ध्यान से इधर उधर बात मत कीजिए। देखिए आप लोग का पॉइंट अभी जो जो है हमारी ब्रीफिंग के बाद आप लोग का पॉइंट आपके जो पदाधिकारी है वो बता देंगे कहाँ कहाँ है। सबसे पहले डिक्टेशन चार्ट देख के जो भी पदाधिकारी का यहाँ है, ठीक है, कमांड कट गया है आप लोग का, पदाधिकारी लोग का कमांड कट गया है फोर्स के साथ, कमांड कट गया है ललित जी, तो अभी आप लोग का कमांड रिसीव एक घंटे में हो जाएगा, एक घंटे के अंदर कमांड रिसीव हो जाएगा। किस पदाधिकारी के साथ किस कांस्टेबल की ड्यूटी लगी है और उनके ऊपर कौन से डीएसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आपस में आप लोग नंबर लेकर, जैसे आपके साथ चार आदमी अगर लगे हैं, चार कांस्टेबल लगे हैं, तो चारों का नंबर आप साथ में रखेंगे, नाम और नंबर, ठीक है। और आपके साथ कौन डीएसपी साहब है जो आपकी चेकिंग करेंगे वो भी पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो जो पॉइंट है आप लोग को सबको घुमाते समय बता दिया गया है, जिनको नहीं पता है उनको भी बता दिया जाएगा कि किस किस पॉइंट पे आपको ड्यूटी करनी है, ठीक है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है किस किस पॉइंट पे आप लोगों को ड्यूटी करनी है अभी बता दिया जाएगा। कुछ लोगों को हम लोगों ने बता दिया अभी घूमते समय, और वहाँ क्या ड्यूटी करनी है जब आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ आकर दोबारा बताएंगे, ठीक है, वहाँ आकर बताएंगे हर पॉइंट पे। अभी आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, कमांड लीजिएगा, अपने कोर्स को साथ में लीजिएगा और टाइम से ड्यूटी पे लग जाइएगा, ठीक है। आपके टाइम से 8 बजे से सबकी ड्यूटी शुरू है, 8 बजे जिसकी जिसकी ड्यूटी है सब लोग अपने अपने पॉइंट पे लग जाएंगे। इस बीच में करना क्या है, सुरक्षा का, आप थोड़ा सा यहाँ पे ड्यूटी का मुख्य कारण होता है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, सुरक्षा मतलब हर तरह से सुरक्षा, उसके लिए आपकी ड्यूटी लगाई है, विधि व्यवस्था के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है। तो स्टेशन पे कोई भी चीज अगर दिख रही है जो आपको संदिग्ध लग रही है, कोई आदमी हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज या बड़ी चीज, आप उसकी सूचना तुरंत अपने वाले पदाधिकारी को देंगे साथ में जो है, और आपके साथ जो पदाधिकारी है वो अपने ऊपर को देंगे, ठीक है। फिर ऊपर से जैसा डायरेक्शन होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर दिख रही है, कोई वस्तु है, कोई व्यवहारिक चीज है, तो खुद से छेड़छाड़ करने नहीं जाएंगे, क्लियर है सबको। तुरंत अपने पदाधिकारी को सूचना दीजिए, आप अपने ऊपर वाले को दीजिए, उसके बाद जैसा डायरेक्शन मिलता है उस हिसाब से आप लोग जो है कार्रवाई करेंगे और वही बने रहेंगे, क्या है, सबकी नजर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ कुछ कुछ वल्नरेबल पॉइंट सब है, अंधेरा में है उधर ड्यूटी वगैरह, वहाँ पे हम लोग ड्रैगन लाइट दे देंगे पॉइंट पे जाके। ड्रैगन लाइट है ना, उस थाना में है 3-4 पॉइंट हम लोग अभी सिलेक्ट किए हैं, उधर टेम्पो स्टैंड के तरफ, टिकट काउंटर के तरफ, इधर गुमटी के तरफ, यहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी है, मधु बाबू आपकी ड्यूटी है रात में, फिर उधर उनके दुबे जी की ड्यूटी थी, जिनकी जिनकी ड्यूटी है वो ड्रैगन लाइट जरूर ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हमको बताएंगे, वो ड्रैगन लाइट से आप लोगों को क्या करना है वो आके हम लोग बता देंगे, ठीक है। कुछ लोगों को HHM के दिया जाएगा, हैंड हैंड मेटल डिटेक्टर, ठीक है, उससे चेकिंग करना है। चेकिंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो होती है रोको और टोको की स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज है उसको आप रोकिए, क्या है नहीं है उससे पूछताछ कीजिए, उसकी चेकिंग वैसे ही होती है, उससे आगे चेकिंग हो जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने मंगलवार को NDA कार्यालय बहादुरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दरभंगा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। मैं अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गोपाल जी ठाकुर के लिए नॉमिनेशन में भी, और कल माननीय गडकरी जी के साथ आने का कार्यक्रम बना था, लेकिन दोनों ही दिन कुछ अपरिहार्य कारणवश स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए अपरिहार्य कारणवश मुझे आने में कठिनाई हुई। आज मैंने यहाँ आने का निश्चय किया और कल देर रात में बातचीत हुई और मुझे लगा कि आज दरभंगा जाऊंगा ताकि आज के बाद फिर मुझे अपने क्षेत्र में भी, और 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी का बनारस में, और चूँकि बनारस में रैली है और हमारे 25-30% वोटर हमारे क्षेत्र के बक्सर, कैमूर, सासाराम वहाँ निवास करते हैं और यहाँ भी निवास करते हैं, इसलिए 25 को फिर वहाँ गाजीपुर और बनारस जाना है,
मुझे आग्रह किया गया था कि 25 की सभा में आप रहे उम्मीदवार की ओर से, यहाँ के लोगों की ओर से, मुझे लगा कि आज मैं जाकर के आप लोगों से मिलूँ। और कई गांव अभी कुछ बैठक भी हुई है कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, विस्तारक कार्यकर्ताओं के साथ, और बहुत ही अच्छे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। एक तो संगठनात्मक रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी है, और जनता का भी थर्मामीटर, मैंने कुछ जगह में गया था यहाँ आने के पहले, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी कुछ गाँव में 4 घंटे रह करके फिर कुछ गाँव में कार्यक्रम कर रहे हैं देहात में, और कार्यक्रम करके फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा कि इस बार पूरी तरह से पूरे देश में ये तीसरे फेज का चुनाव आज हो रहा है, और पूरे देश में एक ही लहर है, और वो लहर देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और देश के विकास के लिए देश के प्रति प्रतिबद्ध है। जो ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने देश के विकास में हर क्षण उपयोग किया है अपने पद का और अपने शरीर का, ऐसे व्यक्ति के बारे में आज देश पुनः इस चौकीदार को, बड़े चौकीदार को पुनः पारा देने के लिए एक मन बना लिया है। इसमें कहीं दो मत नहीं, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, या पूरब हो, या पश्चिम हो, ये पहरेदार, ये चौकीदार देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जाके पहरा लगाए, और यही कारण है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में हम ये कह सकते हैं कि एक अमिट छाप देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हमारे जैसे मंत्री भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कई देशों में जाने का, छोटे बड़े देशों में जाने का मौका मिला। दुनिया के कई देशों में आज जो भारत के बारे में सोच है, पता नहीं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया की सोच बदल गई। दुनिया के हर देश, चाहे वो भारत के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा रहा हो या खराब रहा हो, 2014 के बाद दुनिया के लोगों ने, अन्य देशों ने अपनी सोच बदली। आज की खबरें यहीं संपन्न हुई। दीजिए नीता गोकुल टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।